हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो हमें बहुत ही बेसिक लगती हैं, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखने में एकदम बेसिक लगता है हमें, लेकिन ये आज के टाइम पर हम हर जगह पर यूज़ करते हैं। वो भले ही MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल हो, या फिर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं उसके अंदर हो, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे यूज होता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट के बारे में जानना होगा कि ये टेक्स्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम कोई भी वर्ड अपने कंप्यूटर में लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो एक टेक्स्ट होता है। जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कुछ भी अपनी नोटबुक के अंदर या फिर कहीं पे भी कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम वर्ड का नाम देते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं या फिर पहले से कुछ लिखा होता है तो उसको हम वर्ड की जगह पे उसको हम टेक्स्ट का नाम देते हैं। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब हमें आउटसाइड द कंप्यूटर या फिर नॉन टेक्निकल अगर हम देखते हैं तो उसको हम वर्ड बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम टेक्स्ट बोल देते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी टेक्स्ट का डिजाइन चेंज करते हैं, उसका अपीयरेंस चेंज करते हैं अलग अलग वे के अंदर, तो उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फॉन्ट। व्हाट इज ए फॉन्ट? तो जिस प्रकार अलग अलग पर्सन की अलग अलग हैंडराइटिंग होती है, उसी प्रकार अलग अलग कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट्स होते हैं। फॉन्ट्स को अगर हम थोड़ा सा डीपली समझें तो फॉन्ट्स में एक सिंगल वर्ड को हम एक अलग अलग डिजाइन के अंदर, अलग अलग स्टाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल हेलो वर्ड लिखते हैं, लेकिन उस हेलो को लिखने के लिए भी हम अलग अलग टाइप के जो डिज़ाइन है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट्स हम हेलो को लिखने के लिए यूज़ करते हैं उनकी जो शेप है ना वो हम अलग अलग बनाते हैं, और अलग अलग शेप के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को हम फॉन्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो जितने भी मैंने हेलो लिखे हैं, इन हर एक वर्ड के अंदर, हर एक टेक्स्ट के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स की जो शेप है वो डिफरेंट है। तो जो अल्फ़ाबेट्स की जो अलग अलग शेप होती है उसी को हम फॉन्ट का नाम देते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा फॉन्ट पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इंटरनेट से डाउनलोड करके और भी ज़्यादा फॉन्ट हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉन्ट को समझने के बाद आता है टेक्स्ट का साइज़। जब हम कोई भी टेक्स्ट अपने कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो उसका साइज़ हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रिसाइजिंग ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और टेक्स्ट का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ के बाद में बात आती है टेक्स्ट कलर की। टेक्स्ट कलर के अंदर, जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। कई बार हमें अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो टेक्स्ट कलर है वो भी इंक्लूडेड होता है, और इसी के अंदर हम टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल होते हैं, जो भी कलर हमें पसंद आता है उसी कलर को हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर के बाद में बात आती है टेक्स्ट को हाईलाइट करने की। जब हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज कर देते हैं। कई बार हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम हाईलाइटर का यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए। तो अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाता है। टेक्स्ट हाईलाइटिंग के अंदर भी हम अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर हमें पसंद आता है उसी कलर को हम अपने टेक्स्ट हाईलाइटर के रूप में यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइटर के बाद में बात आती है टेक्स्ट के चेंज केसेस के बारे में। चेंज केसेस के अंदर क्या होता है कि हम टेक्स्ट को किस प्रकार से राइट डाउन कर रहे हैं, हम उसको कैपिटल में लिख रहे हैं या फिर उसको स्मॉल में लिख रहे हैं।
जब हम टेक्स्ट को कैपिटल में लिखते हैं तो उसको हम अपर केस का नाम देते हैं, और जब हम टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसको हम लोअर केस का नाम देते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम टेक्स्ट केसेस को भी इंक्लूड करते हैं कि हम टेक्स्ट को अपर केस में लिख रहे हैं या फिर लोअर केस में लिख रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल की। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास 6 स्टाइल होती हैं जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहली स्टाइल होती है वो होती है बोल्ड स्टाइल। बोल्ड स्टाइल के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसके वर्ड्स की जो थिकनेस है, उसके अल्फाबेट्स की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो हमें थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देता है। एक सिंपल टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट के अंदर यही फर्क होता है कि जो बोल्ड टेक्स्ट होता है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है सिंपल टेक्स्ट से। बोल्ड टेक्स्ट के बाद बात आती है इटैलिक टेक्स्ट। जो इटैलिक टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और उस टेढ़े टेक्स्ट को हम इटैलिक टेक्स्ट का नाम देते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के बाद बात आती है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की, यानी कि अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन के अंदर हम अलग अलग टाइप की जो लाइन्स है उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल लाइन पसंद नहीं है तो उस लाइन को भी हम फॉर्मेट करके उसको एक नया लुक दे सकते हैं। हम सिंपल लाइन भी यूज कर सकते हैं और कोई भी डिजाइनदार लाइन का भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट के बाद बात आती है स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। जो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो लाइन होती है वो टेक्स्ट के बीच में से होकर निकलती है। जिस प्रकार हमारी नोटबुक में हमसे जब मिस्टेक हो जाती है तो उसको मिस्टेक हुए वर्ड को हम पेन से कट कर देते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर हम स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को कट किया हुआ शो करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के बाद में बात आती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। ये बिल्कुल दोनों देखने में थोड़े से एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम कंप्यूटर के अंदर किसी मैथमेटिक्स की से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो उस केस में हमें कई बार पावर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई पावर वाले क्वेश्चंस को टाइप करते हैं या फिर लिखते हैं तो उस केस के अंदर हमें सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो वर्ड होता है वो एक नॉर्मल वर्ड से थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है और उसका जो साइज होता है वो भी थोड़ा सा छोटा होता है। और अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करें तो सबस्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा वर्ड है या फिर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड लिखा हुआ दिखाई देता है और उसका साइज भी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे छोटा होता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर इतना ही फर्क होता है कि सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है और सबस्क्रिप्ट के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारा थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर ये कुछ बेसिक्स फॉर्मेटिंग होती हैं जो हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इन्हीं फॉर्मेटिंग के बारे में देखें कि ये फॉर्मेटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है उसके अंदर फॉर्मेटिंग का पूरा एक ग्रुप होता है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग के हमें सारे के सारे कमांड्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं कमांड्स का यूज़ करके जो भी फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग हम उनके अंदर कर सकते हैं। और जो भी कमांड्स मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं ये सारे की सारी कमांड्स हमें एमएस ऑफिस के हर एक पार्ट में देखने को मिलती हैं, वो भले ही एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या फिर एमएस पावर पॉइंट हो। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी ये सारी चीजें पता चले कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी कुछ और चीजें भी हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।